तो यार कैसे हैं आप लोग यार। उम्मीद करता हूँ भाई सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे यार। भाई पहले तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए यार 5,000 सब्सक्राइबर, जो कि यार मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है भाई। ये सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है भाई। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार। 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी भाई, जिसमें कि हमने बात की थी कि सोलो में कौन करियर कैसे पुश करते हैं भाई। उस वीडियो पर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत ही लोगों की प्रॉब्लम भी आई है, ठीक है। सीज़न शुरू होने से पहले मैं सारी प्रॉब्लम्स का आंसर दे दूंगा। एक प्रॉब्लम और थी जो उस पर बंदों ने बोला था कि लो एंड डिवाइस में कैसे पुश किया जाए, उस पर मैंने वीडियो बना दी है। तो आज का जो स्पेशली वीडियो होने वाला है वो ये है कि कौन सा मैप जो है हमारे इसके लिए रैंक पुशिंग के लिए जो है बहुत ही बढ़िया होने वाला है सोलो में, ठीक है। तो उस बारे में बात करूँगा भाई, मैप्स के बारे में आज बात करूँगा, किस मैप में आपको खेलना चाहिए। जब हम आएंगे गर्मी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो भाई सबसे पहले जो यार हम लोग मैप के बारे में बात करने वाले हैं, यार आप लोग समझ ही गए होंगे कौन से मैप के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या सोच रहे हो, इरेंगल? चल बोजड़ी के। नहीं भाई, इरेंगल के बारे में बात नहीं करेंगे। पहले हम बात करेंगे भाई विकेंडी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाई विकेंडी जो मैप बहुत ही बढ़िया मैप है, ठीक है। 6x6 का ये मैप है, इसके साइज 6x6 है, ठीक है। और इस मैप में आपको बोरिंग फील नहीं होता है ज़रा भी, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग मैप है ये। और इसमें लूट आपको इजीली मिल जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती लूट ढूंढने में। जो जो आपको चाहिए हेल्थ किट्स वगैरह सब कुछ इसमें आसानी से मिल जाता है भाई। प्लस पॉइंट इसका ये है आपको स्नैक्स देखने को नहीं मिलते हैं इसमें, मतलब घास वगैरह ज़्यादा होता नहीं है तो इसमें स्नैक्स नहीं देखने को मिलते हैं भाई। गन कॉम्बो की यहाँ पर अगर हम बात करें तो भाई गन कॉम्बो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। एक स्नाइपर अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया बात है। M416 स्नाइपर और M416 बहुत ही बढ़िया कॉम्बो है। अगर आपको ये नहीं मिलता है, स्नाइपर आपके पास नहीं मिल पाती है, तो भाई आप लोग ले सकते हो M416 और AKM। ये तो भाई ऑल टाइम बेस्ट कॉम्बिनेशन है सभी का। अगर फिर भी ये भी नहीं मिल पाता तो भाई M416 उजी, जो कि भाई वीकेंडी में मेरा फेवरेट है M416 और उजी। तो भाई और इस मैप के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपको हैकर नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन काफ़ी कम एज़ कम्पेयर टू इरेंगल, यहाँ पे बहुत ही कम हैकर देखने को मिलते हैं वीकेंडी में, ठीक है ना। अगर आप लोग हैकर से परेशान हो तो भाई आप लोग वीकेंडी खेल सकते हो। वीकेंडी भाई बहुत ही बढ़िया मैप है और इसमें लगभग टाइम लग जाता है आपको 30 मिनट पूरा नहीं बोल रहा हूँ, अराउंड 30 मिनट के आसपास ये मैप लग जाता है पूरा, ठीक है। ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं है इरेंगल से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इरेंगल छोटा मैप है ये। और गाइज इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि हम लोग अगर रात में मैच मेकिंग करें तो भाई इसमें रात को आप लोगों को मैच देखने को नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा लेकिन कम से कम 6-7 मिनट लग जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप लोगों को मैच मेकिंग होती ही नहीं है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मतलब रात को मैच मेकिंग नहीं होती इस मैप में, ठीक है, काफ़ी कम होती है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब गाइज अगले मैप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि है मीरामार। भाई मैं पर्सनली बोलूं तो मीरामार मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही बढ़िया मैप है मीरामार। 8x8 का मैप है, सेम एज इरेंगल, इरेंगल के बराबर ही ये मैप है, उतना ही बड़ा है जितना इरेंगल है, ठीक है। लूट आपको इसमें बहुत ही मुश्किल होती है, लूट ढूंढना काफ़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि आप अगर स्टार्टिंग में आप चाहते हो आपका माइनस ना हो तो उसके लिए यह मैप बहुत ही बढ़िया है। इस मैप में स्टार्टिंग में माइनस इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पर आप लोग जा सकते हो और वहाँ पर बंदे नहीं आते हैं, मतलब मीरामार बहुत ही बड़ा मैप है, ऐसी ऐसी जगह है वहाँ पे जहाँ पे बंदे नहीं आते हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाओगे तो स्टार्टिंग में टॉप टाइम जो मरते हैं उन बंदों में आप लोग नहीं आओगे, तो जो आपका -40, -45, -50 जो माइनस लगता है ना क्राउन पे या एस पे वो नहीं लगने वाला है। तो भाई ये एक प्लस पॉइंट है मीरामार का। और भाई सेम एज़ वीकेंडी, इसमें भी आप लोगों को स्नैक्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा घास होता नहीं है, बहुत ही मुश्किल से कोई एक आधा दिख गया, लेकिन स्नैक्स इसमें बहुत ही कम होते हैं, सबसे कम स्नैक्स आपको मिलेंगे मीरामार में, ठीक है। अब भाई अगर आप लोगों को फेयर फाइट चाहिए, मतलब फेयर फाइट समझते हो टीपी भी लेके ना मारे आपको कोई, ऐसा इसमें मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसमें फेयर फाइट हो। टीपी भी वगैरह घर के अलावा और यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है, रिजल्ट फाइट होती है, ठीक है। मतलब बहुत ही सही गेम प्ले होता है, कोई आपके साथ ये नहीं बोल सकते, आप इशू नहीं आएगा आपके साथ कि भाई मैं इसलिए मर गया उसलिए, आप मतलब दूसरे को दोष नहीं दे सकते, वहाँ पे जो होगा आपकी खुद की गलती होगी, ठीक है। तो भाई ये सीन होता है, यहाँ पे फेयर फाइट आपको मीरामार में देखने को मिलती है, ठीक है। ये मैप उनके लिए बेस्ट है जो स्नाइपर्स हैं, जो स्नाइपिंग बहुत ही अच्छी करते हैं, ठीक है, उनके लिए मीरामार बहुत ही बेस्ट है। आप लोगों के पास स्किल्स है ना, बहुत ही बढ़िया स्किल्स है आपके पास, तो भाई ये मैप आप लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। अब अगली बात आती है भाई हैकर्स। इस मैप में भी आपको बहुत ही कम हैकर्स मिलते हैं, मतलब बहुत ही कम, बहुत ही ना के बराबर हैकर्स आपको इस मैप में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद गन के कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो यार M416 तो इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम रोल निभाती है इसमें M416,
ठीक है, अगर आप लोगों के पास M416 मिलती है तो भाई उसको तो जरूर उठाओ, और साथ में एक स्नाइपर। अगर स्नाइपर नहीं मिलती है भाई, इसमें मैं AKM नहीं वो करूँगा, AKM ग्रोजा वगैरह ये नहीं मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि इसमें क्लोज फाइट ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, हो भी गई तो M416 उसके लिए चल पड़ती है, क्योंकि सभी लोग इसमें M416 लेते हैं। और अगर आप लोगों के पास गलती स्नाइपर नहीं मिलती तो आप लोग M416 प्लस DMR ये कॉम्बिनेशन रख सकते हो। DMR बोले तो SKS Mini-14, ये जो स्नाइपर्स होती है ना, ये वाली ऑटोमेटिक स्नाइपर राइफल्स, ठीक है, तो ये वाली होती है DMR। ठीक, इसका माइनस पॉइंट ये है कि इसमें भी वीकेंडी की तरह रात में मैच मेकिंग भाई बहुत टाइम लग जाता है, या फिर होती ही नहीं है। मैच मेकिंग का सीन बहुत ही ज़्यादा है इसमें भी और वीकेंडी में भी। इंडो लॉबी लग जाती है, अगर मैच में ही आपके साथ होगी भी तो इंडो लॉबी में आपका पिंग रहेगा हाई 150 के करीब। अगर आप लोग वाईफाई पे नहीं खेलते हो, मोबाइल डाटा पे खेलते हो, तो पिंग हाई रहेगा, जो कि दिक्कत आ जाती है। ये इसका एक माइनस पॉइंट है, ये दोनों मैप्स का है, वीकेंडी का और मिरामार का। ठीक है, और भाई टाइम की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर लें तो इसका टाइम लग जाता है अराउंड 35 to 36 मिनट्स का मैक्सिमम मैच मिरामार में लग जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा मैप है, तो ज़्यादा टाइम में लगेगा ही ऑब्वियसली। तो गाइस बात कर लेते हैं अब हम लोग अगले मैप की, जो कि है सैनहॉक। भाई बहुत ही बढ़िया मैप है, पर्सनली मुझे ये मैप भी बहुत ही पसंद है, क्योंकि भाई इसमें जल्दी फाइट्स देखने को मिलती है और काफ़ी छोटा मैप है, इसमें ज़्यादा बोरिंग आपको फील नहीं होता है, काफ़ी कम टाइम में ये मैच खत्म हो जाता है। अगर टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे भाई इसमें लगभग 22-23 मिनट में, 24 मिनट में ये पूरा मैप खत्म हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 22-23-24 मिनट तक, इससे ज़्यादा ये नहीं जाता है। ठीक है, तो भाई इसका ये बात कर लें कि क्या सीन है सैनहॉक में, क्या फ़ायदा है और सैनहॉक में क्या नुकसान है। भाई देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं लूट की। देखो यहाँ पे आपको हर तरह की लूट, आपको जो भी चाहिए ना, यहाँ पे वो अवेलेबल है भाई, कुछ भी आपको मिल जाता है बहुत ही इजीली। इसमें आपको ढूंढने के लिए जगह जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी हेल्थ किट्स, मेडिकेट्स, मतलब हर तरह की गन्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं, जो आपको चाहिए वो यहाँ पे वो मिल जाता है। बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई गन कॉम्बिनेशन की, तो भाई गन कॉम्बिनेशन में यहाँ पे पर्सनली कोई आपको प्रेफर नहीं करूँगा कोई भी, यहाँ पे सभी गन्स कोई भी आप यूज़ करो वो अच्छे से काम कर जाती है, इसमें कोई स्पेशल केस नहीं है मिरामार की तरह। ठीक है, तो बात कर लेते हैं स्नैक्स की, भाई स्नैक्स इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें लंबा लंबा घास है तो स्नैक्स बहुत होंगे, और स्नैक्स से बचने के लिए आपको भी स्नैक बनना पड़ेगा, तो भाई ये इसका एक और पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं गाइस हैकर्स की। भाई हैकर्स देखो इसमें होते हैं हैकर्स, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इरेंगल कम होते हैं। देखो इरेंगल में तो भाई हद ही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इरेंगल इसमें हैकर्स कम होते हैं, लेकिन मिरामार और वीकेंडी से थोड़े ज़्यादा होते हैं। इसमें देखने को आपको मिल जाएंगे हैकर्स, लेकिन थोड़े कम होंगे, उतने ज़्यादा हैकर्स नहीं होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई इसमें क्या एक प्लस पॉइंट और क्या माइनस पॉइंट है। इसका एक प्लस पॉइंट भी एक माइनस पॉइंट भी है भाई। अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो भाई यहाँ पे आपको बहुत ही कम प्लस देखने को मिलेगा, अगर आप लोग चिकन डिनर भी निकालते हो तो भी 10 प्लस ज़्यादा से ज़्यादा 11-12 प्लस, इससे ज़्यादा प्लस देखने को नहीं मिलेगा भाई, ये इसकी दिक्कत है। और इसका एक दिक्कत ये माइनस पॉइंट था सॉरी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं प्लस पॉइंट की। प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको प्लस तो कम होता ही है, लेकिन साथ में माइनस भी कम होता है भाई। अगर आप लोग ऐसे 50 जल बीच में स्टार्टिंग को छोड़ के बीच में मरते हो ना 40-50 नंबर पे, वहीं अगर आप ऐसे इरेंगल में मरोगे तो इरेंगल में आपका लगभग 40 माइनस या 45 माइनस होना तो पक्का है, लेकिन सैनहॉक में भाई ऐसा नहीं होता। सैनहॉक में अगर आप इस टाइम के बीच में मरोगे ना बीच में, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 माइनस, इससे ज़्यादा माइनस नहीं होगा। तो भाई इसका ये एक प्लस पॉइंट था। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कि किसको ये मैप खेलना चाहिए। भाई जो बंदे चाहते हैं ना कि भाई केडी चाहिए हमें, केडी के साथ कौन कर जाना, 4-5 केडी तो होना ही चाहिए भाई। केडी भाई जो लोग बढ़ाना चाहते हैं वो इस मैप को खेलो भाई, बहुत ही बढ़िया मैप है। इसमें आपको किल्स मिलते हैं क्योंकि आसानी से, इसमें छोटा मैप है, जल्दी जल्दी फाइट होती है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा किल्स देखने को मिल जाते हैं। मैं जब सैनहॉक खेलता था पर्सनली मैं बताऊँ कि सैनहॉक में 5-6-7 किल्स एवरेज होते ही थे एज़ कम्पेयर टू बाकी मैप्स, इरेंगल या मिरामार को अगर हम देखा जाए तो उनके कंपैरिजन में सैनहॉक में बहुत ही ज़्यादा किल्स निकलते हैं। तो जो लोग केडी बढ़ाना चाहते हैं वो लोग सैनहॉक खेलो भाई। और भाई ये मैप जल्दी खत्म हो जाता है, वो तो मैंने बता ही दिया कि 22-23 मिनट में, तो आपको बोरिंग फील नहीं होगा। तो इसमें एक और दिक्कत जो कि सभी मैप में मैक्सिमम में होती है कि भाई रात को इसमें भी मैच मेकिंग नहीं होती, या तो होती है तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर होती भी है कई बार तो इंडो लॉबी लग जाती है, जिसकी वजह से आपका पिंग बहुत ही हाई हो जाता है। तो भाई ये इसमें एक दिक्कत होती है, बाकी ये मैप बहुत ही बढ़िया है, मैं पर्सनली भी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। अब भाई लास्ट में जिसका आपको सबसे ज़्यादा इंतज़ार था भाई, उसके बारे में बात कर लेते हैं, इरेंगल। भाई इरेंगल जो मैप है ये सभी बंदों का फेवरेट है, इसके बारे में बात करते हैं। ये मैप होता है 8x8 का, काफ़ी बड़ा मैप है, जितना मिरामार है उसके बराबर ये लगभग। ठीक है, तो इसमें आपको बोरिंग फील होगा थोड़ा अगर आप लोग कैंप करोगे। ठीक है, अगर मेरे वाले तरीके से खेलोगे जिसमें आपको ज़्यादा हाइट भी देखने को नहीं मिलेगी, बंदे देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है, और आपको कैंप करना भी नहीं पड़ेगा, और आप ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे। तो मेरा तरीका आप देख सकते हो, सोलो वाला जो कॉन्करर वीडियो मैंने डाली थी उसमें मैंने गेम प्ले डाला था, वो वीडियो जाके देख सकते हो, आई बटन पे लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। ठीक है, अब अगली बात कर लें यहाँ पे यार
कि इसमें लूट कैसे मिलती भाई। अगर आप लोग मेरा वाला तरीका फॉलो करोगे तो इजीली लूट मिल जाएगी वहाँ पे। उस वीडियो में मैंने बताया है कि मैं कैसे खेलता था, ठीक है। और अगर आप लोग बाकी नॉर्मली या जैसे आप पुश करते हो वैसे करोगे तो इसमें लूट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। मेरा वार से थोड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा अगर आप लोग आप चाहते हो कि भाई मेरी पसंदीदा गन मिले, जैसे कि सैनोव में मिल जाती है, वैसा इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। जो आपको चाहिए होता है कई बार वो नहीं मिलता है, तो ये इसका एक माइनस पॉइंट है, ठीक है। अब एक और बात कर लें कि इसमें इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इरेंगल में सबसे ज़्यादा प्लस होता है चारों मैप्स में। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी लोग बोलते हैं कुछ लोग कि मीरामार में ज़्यादा प्लस होता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँ तो इरेंगल में सबसे ज़्यादा प्लस होता है जहाँ तक कि मैंने खेला है, ठीक है। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जितना मुझे लगता है इरेंगल में सबसे ज़्यादा प्लस होता है, ठीक है। और माइनस तो आप भाई पूछो ही मत, माइनस इसमें बहुत होता है। अगर आप लोग पहले मर जाते हो तो बहुत ज़्यादा माइनस होता है और बहुत ही दिक्कत आने वाली है आपको, ठीक है। तो टॉप 10 में आओ, आराम से किल्स निकालो, आपका बढ़िया से प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब भाई यहाँ पे आ जाते हैं, बात करते हैं स्नैक्स की। स्नैक्स भाई इसमें आपको कम देखने को मिलते हैं थोड़े, एज़ कम्पेयर टू सैनोक। वैसे मिल जाते हैं इसमें भी, लेकिन उससे सैनोक के कंपैरिजन में थोड़ी कम देखने को मिलते हैं। और हैकर्स भाई मेन चीज़ जो आपकी आती हैकर्स इस मैप में भाई। हैकर तो आप पुश कर रहे हो ना, तो 3 मैच में से 2 मैच में आपको हैकर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बेशक आपको नहीं मारे ऐसे हैक्स नहीं हो उसके बाद उड़ उड़ के मार रहा है, जो ऐसा नहीं हो, ठीक है। लेकिन ESP जो हैक होता है ना, जिसे बंदों की लोकेशन पता होती है, ऐसे हैकर लगभग हर मैच में होते हैं, ठीक है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। और जो बाकी हैकर आए जो भाई उड़ उड़ के मारें, ढूंढ ढूंढ के मारें, वो तो भाई गलत ही सीन है उनका। वो भी इरेंगल में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैं इरेंगल के बारे में आपको एक टिप देता हूँ कि टिप ये है कि रात को अगर आप खेलते हो ना, तो अगर आपको पसंद है कि भाई इरेंगल ही खेलना, भाई इरेंगल बेस्ट है तो इरेंगल ही खेलना है, तो भाई रात को हैकर्स कम आते हैं। ये जो टाइम होता है ना कि 11:30 से लेके 3:30 4 बजे तक अगर आप लोग खेलते हैं ना रात को, तो इरेंगल नहीं सॉरी हैकर कम आते हैं भाई, ठीक है। तो भाई ये टिप फॉलो करना बहुत ही काम आएगी आपके, अगर आप लोग इरेंगल खेलना चाहते हो तो, ठीक है भाई। अगर शाम के टाइम आपने खेल लिया ना, शाम के टाइम भाई इरेंगल को देखना भी मत, छूना भी मत इरेंगल को, नहीं तो हैकर आके मार जाएगा भाई क्राउन और उसके ऊपर एस के ऊपर, ठीक है। तो दिक्कत आ जाएगी अगर आप लोग शाम को खेलोगे। दिन को एक आधा मैच खेल के चेक कर सकते हो, लेकिन अगर शाम को ये 3 बजे से लेके शाम के 8, 9, 10, 11 बजे तक खेलते हो ना, तो भाई बहुत दिक्कत आपको आएगी हैकर्स की वजह से, ठीक है। और भाई गन कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी सैनहोक की तरह सारी गन्स चल जाती है, कोई स्पेशल केस नहीं है विकेंडी और मीरामार की तरह। आप जो चाहो वाली गन यूज़ कर सकते हो, बस लास्ट जोन में, लास्ट के कुछ जोन्स में स्नाइपर छोड़ देना और दोनों AR गन्स रखना, ठीक है। अब भाई टाइम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है मीरामार की तरह। यहाँ पर भी आपको 35-36 मिनट का मैक्सिमम टाइम लग जाता है, अगर मैक्सिमम बात करें तो, ठीक है, क्योंकि ये भी 8x8 का मैप है जो कि काफ़ी बड़ा मैप है, तो आपको 35-36 मिनट का टाइम लग जाता है। और भाई इसका एक और प्लस पॉइंट ये रहता है कि बाकी मैप में आपको रात को मैच मेकिंग नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो इंडो लॉबी मिलती है। इंडो लॉबी में आपका पिंग हाई रहता है, अगर आप लोग वाईफाई पे नहीं खेल कर मोबाइल डाटा भी खेल रहे हो तो बहुत ही दिक्कत आपको आती है, लेकिन इस मैप में ऐसा नहीं होता। इंडो लॉबी लगती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम इसमें इंडियन लॉबी लगती है, ठीक है। और जल्दी से 1-2 मिनट के अंदर इसमें मैच मेकिंग हो जाती है, चाहे आप 24 घंटे में किसी भी टाइम मैच मेकिंग करो, चाहे रात को या दिन को, क्योंकि रैंगल सबसे ज़्यादा बंदे खेलते हैं, इसलिए इसमें मैच मेकिंग आसानी से हो जाती है। भाई अब मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँगा, ठीक है, ये सभी मैप्स के बारे में बोलूँगा। देखो अगर आप लोग इरेंगल में, ये तो मैंने बता ही दिया, लेकिन फिर भी दोबारा नोट कर लो कि इरेंगल में अगर आप लोग रात को खेलोगे तो वहाँ पे आपको हैकर्स नहीं मिलेंगे और इंडियन लॉबी मिलेगी जहाँ पे आपका पिंग स्टेबल रहेगा, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब अगर आप लोग एक एवरेज प्लेयर हो, पॉइंट नंबर 2, कि अगर आप लोग एक एवरेज प्लेयर हो जो मतलब ज़्यादा खतरनाक भी नहीं खेलता और ज़्यादा ज़्यादा बेकार भी नहीं खेलता, मतलब हैंडल कर लेते हो अच्छी खासी सिचुएशन को, तो भाई वीकेंडी मैं आपके लिए प्रेफर करूँगा। वीकेंडी बहुत ही बढ़िया मैप है, ठीक है, वीकेंडी मैं आपके लिए प्रेफर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते, हैकर्स भी नहीं आते, ठीक है, एवरेज प्लेयर्स इस मैप में आते हैं। अगर आप लोग एवरेज प्लेयर हो, ठीक है, तो आप इस मैप को खेलो, बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस होने वाला है। और भाई अगर आप लोग पॉइंट नंबर 3, अगर आप लोग खिलाड़ा हो एकदम खतरनाक ही खेलते हो, तो भाई आपके लिए मैं बेस्ट मैप सजेस्ट करूँगा मीरामार। आप लोग इरेंगल भी खेल सकते हो, लेकिन अगर हैकर से बचना चाहते हो तो भाई आप लोग अच्छा खेलते हो, स्किल्स है बहुत ही बढ़िया, तो आप लोग खेल सकते हो भाई मीरामार। भाई बहुत ही बढ़िया मैप आपके लिए होने वाला है, इसमें प्लस भी आपको ज़्यादा मिलेगा और आप लोग किल्स भी निकालोगे, ठीक है। भाई पॉइंट नंबर अगला आता है कि KD, भाई KD जिसको KD बढ़ानी है ना, वो तो मैंने बता ही दिया सैनोक में कि सैनोक खेला करो, जिसको KD बढ़ानी है वो लोग सैनोक खेलो, ठीक है, क्योंकि सैनोक में बहुत ज़्यादा किल्स आसानी से निकलते हैं।
माइनस से भी डर लगता है आपको भाई कि ज़्यादा माइनस हो गया दिक्कत आ जाएगी, डिमोटिवेट हो जाओगे, तो भी सहन हो खेलो क्योंकि इसमें माइनस कम लगता है, भले ही प्लस भी कम लगता है पर माइनस भी कम लगता है, ठीक है। पेशेंस है आपके अंदर तो भी भाई सहन हो खेलो, छोटी छोटी चीज़ों में आपको खुशी मिल जाती है, छोटी छोटी चीज़ों में मेरा बोलने का मतलब अगर आपका छोटा छोटा प्लस होता है, मान लो 5 प्लस, 10 प्लस, 8 प्लस, इतना इतना आपका प्लस होता है, इसमें भी अगर आप खुश हो इतना प्लस करके भी आप कौन कर जाना चाहते हो, कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है, पेशेंस है आप में तो भाई आप सहन हो खेल सकते हो, बहुत ही बढ़िया मैप है सहन हो, ठीक है। पर्सनली मुझे भी ये काफ़ी पसंद है। बाकी भाई इरांगल के बारे में मैं कोई खास ज़्यादा टिप्स दूंगा नहीं भाई, इरांगल आप लोग मेरे से अच्छा जानते हो, अब आप लोग चूज़ कर लो, आपको भाई मैंने सभी मैप्स के बारे में सभी डिटेल्स दे दी और कुछ स्पेशल टिप्स भी दे दी जिनको आप फॉलो कर सकते हो। तो भाई यही था जो मैंने सोच सोच के मतलब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से निकाला है सभी मैप्स में से, क्योंकि मैं पुशिंग के टाइम पर सारे मैप्स खेलता था, ठीक है। तो अब देख लो आप कौन सा मैप खेलना चाहते हो। तो होप यार गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है, यार पसंद आई हो तो यार लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार पबजी की ऐसी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ठीक है। कॉन्करर पे जो कमेंट्स आप लोगों ने किए थे कॉन्करर वाली वीडियो पे, उसका रिप्लाई मैं जल्दी ही दूंगा, सीज़न जब से शुरू होगा उससे पहले ही मैं सभी प्रॉब्लम्स के आंसर दे दूंगा, या फिर एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा सभी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे उसके लिए मैं एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा। और भाई क्या कर रहे हो यार, भाई को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो यार, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में है, स्क्रीन पे फ्लैश हो रही होगी यार, पबजी आईडी भी मेरी डिस्क्रिप्शन। यार एक काम और करना भाई प्लीज़ यार, 100K पॉपुलैरिटी करवा दो जल्दी से, डिस्क्रिप्शन में यार यार मेरी आईडी है, वहाँ पे जाके आप लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो मुझे, मैं एक्सेप्ट करूँगा, वहाँ पे मुझे यार पॉपुलैरिटी दो यार, जो 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 जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी देगा उसको अगली वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा भाई, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी देगा उसको मैं अगली वीडियो में यहाँ पे शॉर्ट आउट दूंगा। तो भाई यार यही था इस वीडियो में मैप्स के बारे में मैंने आपको बताया, अब आप लोग खुद चूज़ कर लो आप लोगों को कौन सा मैप खेलना यहाँ पे पसंद है, ठीक है। बाकी यार पर्सनली बात करना चाहते हो यार इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे पूछो, वहाँ पे मैं जरूर आंसर दूंगा भाई, सभी को आंसर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यार मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।